हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आमतौर पर हम जब मक्के को भूनते हैं तो पॉपकॉर्न बन जाता है, लेकिन मैं आज ऐसी स्नैक रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे ये पॉपकॉर्न नहीं बनने वाला है, ये बनेगा भुना हुआ कॉर्न। ये चना या मूंगफली की तरह बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और रोस्ट हो जाएगा। इसे भूनने के बाद इसका आप चाट भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा सा होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भुना हुआ मक्का यानी कि भुना हुआ कॉर्न। हमने यहाँ पे एक भुट्टा लिया है, इसे हम अच्छे से छील लेंगे। तो देखिए ये एकदम फ्रेश सा है। अगर आपको फ्रेश भुट्टा ना मिले तो थोड़ा सा सूखा मुरझाया भुट्टा भी चलेगा। अब यहाँ पे चाकू की सहायता से हम इस भुट्टे के दो हिस्से कर लेंगे। मैं यहाँ पे भुट्टे को दो हिस्से करती हूँ ताकि आसानी से दाने निकल आए। तो देखिए इस तरह से कितने जल्दी जल्दी दाने निकल रहे हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। तो अब हम यहाँ पे भुट्टे से सारे दाने निकाल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे प्लेट पे पूरे भुट्टे के दाने निकाल लिए हैं। अब हमें ये करना है कि हमें इस भुट्टे के दाने को सुखाना है, पूरी तरीके से सुखा देना है इसे। तो हम इसे 4 से 5 दिन तक धूप में रखेंगे। अगर धूप नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप किचन में भी रख सकते हो, आप इसे घर में भी रख सकते हो। धीरे धीरे ये अपने आप ही सूखने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 से 6 दिन का वक्त लग चुका है और ये पूरी तरीके से भुट्टे के दाने सूख चुके हैं, एकदम ड्राई हो चुके हैं, इसमें नमी नहीं है, ये एकदम कड़क से हो चुके हैं। तो अब हम ये करने वाले हैं कि कढ़ाई को मध्यम आंच पर रखेंगे और यहाँ पे हमने नमक का इस्तेमाल करना है। ये नमक मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था इसलिए इसका रंग है थोड़ा सा डल सा हो चुका है, सफ़ेदी नहीं है। ये घर में जो हम आयोडाइज नमक का इस्तेमाल करते हैं वही नमक है, मैंने इसे काफ़ी बार रेसिपी में इस्तेमाल किया है इसलिए काफ़ी ड्राई सा हो चुका है, इसका जो रंग है थोड़ा चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे फ्रेश नमक ले रहे हो तो इसे बहुत ही ज़्यादा गर्म करना है और इसे अच्छे से भूनना है ताकि इसमें जो नमी होती है वो पूरी तरह से निकल जाए। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नमक पूरी तरह से ड्राई हो जाना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे नमक को 10 मिनट के लिए गर्म करेंगे। यहाँ पे नमक का गर्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और नमक पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तो आंच को हम यहाँ पे धीमा कर लेंगे। हमने यहाँ पे इस तरीके से झरिया लिया है। अब यहाँ पे हम मुट्ठी भर सूखे मक्के के दाने ले लेंगे और इस तरह से हम गर्मा गर्म नमक में ये मुट्ठी भर मक्के डाल देंगे और हमें यहाँ पे इस तरह से झरिया से इसे चलाना है। तो इस तरह से हम झरिया से थोड़ी देर के लिए दबा देंगे ताकि मक्के के दाने हवा नहीं उड़े। और यहाँ पे हमें कुछ सेकंड के लिए इस तरह से इसे भूनना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ही सेकंड में मक्के के जो दाने हैं वो उछलने लगे हैं। तो देखिए ये पॉपकॉर्न की तरह नहीं बना है, ये भून के तैयार हो चुका है मक्का। तो इस भुने हुए मक्के को हम प्लेट पर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के सूखे मक्के को भी भून लेंगे। इस तरीके से भुना हुआ मक्का गांव में काफ़ी मिलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, साथ ही साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा सा होता है और इसमें हल्का हल्का सा नमकीन फ्लेवर भी आता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये कितने कुरकुरे से हैं, कितने क्रिस्पी हैं। तो देखा आपने ये कितने ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी थे। जो सूखा मक्का है वो आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकते हो महीने भर और जब भी आपका मन करे आप इसको भून के खा सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भुना हुआ मक्के की रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और अपना मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। हैव अ वंडरफुल डे।